नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज जनता की आवाज संस्था की ओर से जगाधरी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें यमुना नगर निगम के अंतर्गत वर्ष 2004 में बनाए गए 4 डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्लॉट आवंटन में हुए बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोली गई। संस्था के प्रधान गुरमीत अत्री ने बताया कि चारों डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्लॉट आवंटन के समय जो शर्तें रखी गई थी उनका पालन करवाने और कार्रवाई करने में तत्कालीन नगर परिषद यमुना नगर और उसके बाद बने नगर निगम यमुना नगर फेल रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार साबित होता है, क्योंकि 2004 से 2019 तक 15 सालों में उन लोगों को केवल 8 से 10 नोटिस जारी किए गए और शर्तों के मुताबिक किसी भी आवेदक से प्लॉट वापस नहीं लिया गया और ना ही पेशगी राशि जब्त की गई, जिसकी वजह से आज तक निगम क्षेत्र में बहुत सी डेयरियां चल रही हैं और डेयरी कॉम्प्लेक्स में मूलभूत सुविधा का अभाव है। संस्था के प्रतिनिधि वीरेन सप्रा ने बताया कि आज भी कुछ प्लॉट मालिकों ने बेचने के लिए ही प्लॉट रखे हुए हैं। संस्था के प्रतिनिधि चिराग सिंघल ने कहा कि जब 10 साल पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए निगम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है, तो डेयरी कॉम्प्लेक्स में गलत आवंटन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। संस्था के प्रतिनिधि पारस भाटिया ने कहा कि अधिकारी जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस भ्रष्टाचार में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। संस्था के प्रतिनिधि नीरज राणा ने मांग की है कि सतर्कता विभाग की ओर से सारे भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। हाथ में नहीं है, उसका कारण ये है कि अधिकारियों के पास खुद भी वो लिस्ट नहीं है कि आज के टाइम में जो मौजूद वहां पे मौजूदा है, जिनके पास डेयरी वहां चल रही है, जिनके प्लॉट्स है, उसकी लिस्ट उनके पास है ही नहीं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2004 से पहले की लिस्ट है कि जिनको उन्होंने अलॉट किए थे, उसके बाद जो बिके आगे फर्दर उसके बाद बिके, उसकी लिस्ट उनके पास है ही नहीं। वो लिस्ट इसलिए नहीं रखना चाहते, पता उनको सब कुछ है, वो लिस्ट इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि उसमें फंसेंगे वो लोग, क्योंकि उनके खुद के कर्मचारियों के नाम पे, अपने नाम पे बहुत सारे प्लॉट्स हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से नगर निगम की मीटिंग से मीडिया को बाहर रखा गया था इस बार और मीडिया वाले साथियों ने आवाज उठाई कि हमारे को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया, हम तो यही चाहते हैं कि मीडिया आवाज उठाए कि अगर 2004 का भ्रष्टाचार है इसको अब तक क्यों नहीं समाप्त किया गया, और अगर आपने ये 2004 का भ्रष्टाचार का मुद्दा समाप्त नहीं करना, करोड़ों रुपए का गबन है ये नहीं समाप्त करना, तो आज ये सीलिंग की कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर वो हो रही है तो ये भी होना चाहिए। तो हमारा मुद्दा ये है बेसिकली, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं जो ये भ्रष्टाचार का मामला उजागर कर रहे हैं हम, इसमें हम ये उजागर नहीं कर रहे, आपको लिस्ट दे, आपको लिस्ट दे देंगे, उसमें आप लिस्ट पढ़ के सुना दीजिए ना, मैं आपको उसमें सर लिस्ट पढ़ दो कितने नाम है उसमें, या किसी और पार्टी के बाद जनता के बाद से बाद में आती है या पहले आती है? पहले जनता की आवाज होती है, उसके बाद किसी पार्टी की आवाज होती है। आज का मुद्दा, आज का मुद्दा पिछले 18 साल से जो डेयरी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा था और किया जा रहा है, वो मुद्दा है, क्योंकि हमने आप लोगों से वादा किया था कि आपको जनता की आवाज के अंतर्गत सारे ही भ्रष्टाचार के नगर निगम के और डिस्ट्रिक्ट के हैं वो बताए जाए। कौन है करने वाले? नगर निगम के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी। सर अपना बता दो, खुल के सर इतने सवाल नहीं पूछने हमने, अपना बता दो। के जो ईओ वगैरह थे उन्होंने और टैक्सेशन ब्रांच के जो अधिकारी थे उन्होंने किया, उनके हाथ में था। अब तक जाँच क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? हमारे संज्ञान में 3 साल से आया है, हमने जांच करवानी शुरू कर दी है। बहुत लंबा टाइम है, जो 19 साल ले सकते हैं तो 3 साल तो बहुत कम है, वो भ्रष्टाचार के लिए 19 साल ले सकते हैं, हम जांच के लिए 3 साल क्यों नहीं ले सकते? तो क्या चाहते हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने गलत पेपरों के हिसाब से प्लॉट लिए हैं, जो एलिजिबिलिटी जिनकी नहीं बनती थी, उनके खिलाफ तब से लेकर के जितने बीच में लोगों को दोबारा उन्होंने बेचे हैं प्लॉट, सबके ऊपर कार्रवाई हो और कानूनी कार्रवाई सख्त हो, ताकि दोबारा ये खेल ना खेला जाए। जो 8 करोड़ की जगह थी आज 170 करोड़ की जगह है, ये प्रॉफिट जो है 162 करोड़ का किसके पास जा रहा है? रिकवरी के लिए किसी भी नहीं, रिकवरी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है जो गलत हुआ है उनको कानूनी कार्रवाई की जाए, रिकवरी तो एक अलग मैटर है, वो फाइनेंशियल मैटर है, किसने देखना है वो विभाग देखेगा। इतना बड़ा डाटा इकट्ठा कर लिया है तो जांच के लिए किसी को बोला गया या नहीं बोला? देखिए जांच के लिए जो है अनिल विज साहब को लास्ट ईयर लेटर लिखा गया था, तो बदकिस्मती से। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।